कल रात को गोपालगढ़ थाने पर दो लड़कों के अपहरण की सूचना उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। उनके फ़ोन वगैरह को ट्रेस किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। रात भर उनको आसपास के इलाकों में देखा, कुछ लोगों के संदिग्ध लोगों के नाम बताए गए। उनकी ये बताया गया कि वो एक बोलेरो गाड़ी में थे और उनको मारपीट करके अपहरण कर लिया है। आज सुबह वही बोलेरो गाड़ी उसी इंजन नंबर चेसिस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू एरिया के अंदर जली हुई हालत में मिली। उसमें दो अज्ञात व्यक्तियों की शव भी मिले हैं जो भी जली हुई हालत में है। तो गाड़ी तो वही है, ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। इसके लिए हमारी टीम परिजनों को लेकर के और मौके पर है। जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस डीएनए एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। इसके अलावा जिन संदिग्धों के नाम परिजनों ने बताए आसपास आसूचना से पता लग पाए हैं उनको राउंड अप करने के लिए स्पेशल टीम्स रवाना की गई हैं। जो संदिग्ध हैं वो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको पूछताछ के लिए लेकर के आएंगे, उससे और घटना की जानकारी लग पाएगी। कुछ लोग अभी डिटेन किए हैं क्या मामले? नहीं, अभी तक कोई डिटेन नहीं। इनकी रंजिश क्या है, किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? अपहरण की जो FIR परिजनों ने कराई है उसमें इन्होंने कोई मोटिव नहीं बताया है और इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किस कारण से यह घटना की गई है। एक बार जो संदिग्ध हैं वो आ जाते हैं तो उनकी पूछताछ से और डिटेल पता लगता है। राजस्थान से अपहरण होता है, हरियाणा में जाके जलाया जाता है, अपहरण कहाँ से होने की पुष्टि होगी? देखिए, परिजनों ने जब आकर के सूचना दी थाने पर तो राजस्थान की जो फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है उसके अनुसार तत्काल पहले मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हम इस चीज़ में पड़ जाएंगे कि अपहरण कहाँ से हुआ, कहाँ लेके गए, कहाँ मारपीट करी, कहाँ जलाया, कहाँ क्या किया, तो फिर अनुसंधान उसमें दोषित होता है। इसलिए पहले मुकदमा दर्ज किया है, अब बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे। इनके कोई गौ तस्करी के मामले भी लंबित हैं या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? इनमें से जो दो लड़के जिनका अपहरण हुआ उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है।